चलेगा ऑटो खड़े। तो फिलहाल वहाँ पे चालान भी चाहिए, गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर दिए हुए, सारा प्रोसेस दिखाई दिया। यहाँ पे आप अगर ट्रक लेके आ रहे हो ना तो यूट्यूबर है, ब्लॉगिंग, आपका फेस नहीं ले रहा हूँ मैं, अपना फेस ले रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और अभी 3:50 हो गया हुआ, हमारा सहरी का टाइम खत्म, अजान भी हो रहा है। तो आज चलते ही कुछ अलग प्रोग्राम किए हुए, तो चलिए आज चलते ही कुछ अलग ब्लॉग शूट करेंगे। और कहाँ जाते हैं सहरी के बाद, क्या करते हैं, आज पूरा दिखाएंगे आपको। तो चलिए पहले रूम से निकलते हैं। तो फिलहाल आज का जर्नी ट्रक के साथ बहुत छोटा हाथी का जर्नी हो गया। और ये देख सकते हो, मेन ग्लास साफ कर लिया क्योंकि हमें जाना है इस ट्रक में। और हम चलते हैं आज अरुणाचल, एक्सप्लोर करेंगे कहाँ क्या कैसे होगा। तो चलिए चलते हैं आज इस ट्रक के साथ। अभी चालान, फिलहाल हम लोग आ गए हैं, ये देखो आप अरुणाचल गेट पे। और वेलकम टू रोइंग, यहाँ से हम रोइंग जाएंगे। बट अपनी गाड़ी का ये चालान चाहिए, चाबी देगा। तो फिलहाल वहाँ पे चालान भी चाहिए, गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर दिए हुए। और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा एंट्री होगा और कितना वहाँ एंट्री फीस लगेगा, टोटली अपडेट करेंगे। तो फिलहाल चलिए चलते हैं। और ये रहा गेट, देख सकते हो, और इतनी गाड़ी वो पीछे खड़ी है। तो चलते हैं और यहाँ से आपको मिलेगा रोहिंग 23 किलोमीटर, माइडिया 78 किलोमीटर, आप देख सकते हो अनानी तक ये रास्ता जाएगा। तो फिलहाल हम अंदर चलते हैं और जो एंट्री के लिए हमें चालान चाहिए था, हम चालान लेके आए। और वहाँ पे हमारा 2 गाड़ी एंट्री होगा और हम पूरा ही एक्सप्लोर करेंगे अरुणाचल। और हम ट्रक के साथ जा रहे हैं, तो फिलहाल आपको ट्रक से पूरा ही अपडेट देने के लिए ट्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा एंट्री हो रहा है, ये चालान सर। तो फिलहाल हमने चालान लेके आया और सर को दिया, सर एंट्री करेंगे और हम अंदर जाएंगे, क्या हो रहा है वो सारा प्रोसेस दिखाएंगे। यहाँ पे आप अगर ट्रक लेके आ रहे हो ना तो यूट्यूबर है, ब्लॉगिंग, आपका फेस नहीं ले रहा हूँ मैं, अपना फेस ले रहा हूँ, आपको कवर नहीं कर रहा हूँ, आप इस रेंज का मैं उस तक सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा एंट्री हो रहा है, अगर आप भी ट्रक लेके आ रहे हो तो यहाँ पे होल्ड करो, उस एरिया में आपको ट्रक लगाना है जहाँ पे हमने लगाया, और यहाँ आके एंट्री कर सकते हो। एंट्री यहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर और जो चलान रहेगा वो लेके आओगे। तो चलो अभी अपना एंट्री करवाते हैं, आगे क्या हुआ, कितना कैसे लगा, वो सारा हम आपको प्रोडक्ट करेंगे। तो फिलहाल हमारा एंट्री हो गया हुआ है और हम यहाँ से अभी इस गेट से, जी बोलिए, ये भाई उठ रहे। तो फिलहाल यहाँ से हम ये गेट से एंट्री करवाए हैं, जो कि वीडियो फिलहाल अभी हमारा डिलेक्ट हो गया हुआ है, पर हम रिकवर कर लेंगे ऐसा। चलो यहाँ से चलते हैं सीधा ही। फिलहाल हम लोग गेट से एंट्री करे और एंट्री करके सीधा ही चला आया, और अंदर आने के बाद अभी हम लोग सीधा ही जा रहे हैं रोइंग। और रोइंग कहाँ पे अनलोड होगा, क्या माल है, वो सारा आप अपडेट करेंगे। और रोइंग का जो प्लेस है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे हम। तो चलिए अभी चलते हैं। और गेट में ऐसा हो गया कि हमने वीडियो बनाया था जो कि चार्जेस वगैरह के बारे में, तो उसने मुझे कहा कि ऐसा नहीं बनाना है, डिलीट कर देना है। तो वो तो मेरे फाइल में है, फिर भी मैं उसे अपलोड करूँगा, ऐसा कोई ये नहीं है। उन लोग जो अभी चार्ज वगैरह कर रहे हैं वो शायद उन लोग हाईलाइट रखना चाहते हैं, हाईलाइट नहीं करना चाहते, उन लोग हाइट रख के अपना काम करना चाहते हैं, पर कोई नहीं। तो अभी चलो फिलहाल चलते हैं रोइंग, रास्ते में जो है वो सारा आपको दिखाते जाएंगे, रास्ता यहाँ का कैसे है और यहाँ का घर वगैरह कैसा है वो सारा। और अरुणाचल हम पहली बार एक्सप्लोर करने आए हैं, वो भी ट्रक से। तो चलिए चलते हैं। और आज है 15वीं रमज़ान हमारा, तो रमज़ान का पूरा टाइम इधर ही जाएगा, और हो सके तो इफ्तार के टाइम पे घर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं और आप देखते चलो अरुणाचल का प्लेस, कुछ बढ़िया बढ़िया शानदार से जगह पर। फिलहाल हम आ गए रोहिंग, और रोहिंग का ये प्लेस आप देखो,
जो भी रोइंग इससे पहले आया है ये देख सकते हो। और आज का ड्राइवर है आबिद, आबिद गाड़ी को वहाँ घर से लेके आया। तो फिलहाल अभी वो जो है ना मिस्टर सराफुल खान साहब जा रहे हैं देखो वहाँ पे अपना चालान लेकर, और जो गाड़ी में मेटल है ना उसे वहाँ पे खाली किया जाएगा। बट अभी हम लोग है यहाँ पे और हम चलते हैं नीचे, देखते हैं रोइंग में क्या ऐसा है। तो इसका हाइट भी तो बहुत ज़्यादा है अपना छोटा। तो फिलहाल यहाँ अब देख सकते हो ये है रोइंग, और रोइंग अभी टाउन नहीं आए हम लोग, बैक साइड पे है। यहाँ पे हमारा गाड़ी खाली होगा और ये रहा गाड़ी। तो हम जो है ना आए हैं अरुणाचल एक्सप्लोर करने। तो अरुणाचल में हम पहली बार ट्रॉक लेके आए, ऐसे छोटा हाथी लेके आए पर ऐसा टाइम नहीं मिलता था। बट अभी क्या है ना कि अभी इनके साथ ट्रॉक में आया हूँ और ट्रॉक का लाइफ भी देखना चाहता हूँ कि ट्रॉक में कैसे क्या हो रहा है। तो आगे चल के मेरा प्लानिंग है कि छोटा हाथी को सेल किया जाए और ट्रॉक को ही एक ट्रॉक ले लिया जाए या किसी और का भी चलाया जाए। ट्रॉक लाइफ में मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सपीरियंस करने आया हूँ कि ट्रॉक लाइफ होता कैसे है और क्या चलाने का क्या एक्सपीरियंस रहेगा और किस तरह से हम मार्केट में लोडिंग वगैरह लेंगे, तो टोटली हमें पता चलेगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे तो अभी हम लोग फर्स्ट ट्रॉक से मैं एक बार और इनका ट्रॉक चला कर देखा था, तो वो भी मैंने वीडियो डाल रखा है। अभी ये क्या है ना कि मुझे अभी मैं आया हूँ रोइंग, और रोइंग में इनका माल अनलोड होगा, वो क्या होगा कैसे होगा वो मैं आगे आपको भी दिखाऊंगा। और मैं खुद भी फील करना चाहता हूँ कि ट्रॉक लाइफ कैसा होता है और ट्रॉक में हमें लोडिंग कैसे मिलेगा, रेंट कैसे होता है। तो कुछ टाइम पे हम इनका ट्रॉक का एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद हमें हो सके तो छोटा हाथी सेल करने का अभी माइंड सेट बन गया है कि छोटा हाथी सेल करता हूँ और ट्रॉक ज्वाइन करता हूँ। तो चलो आगे दिखाते हैं हम आपको। और यहाँ पर हमारा ट्रॉक आप देख सकते हो, ये रहा ट्रॉक। और फिलहाल यहाँ पे गाय बेच रहे हैं इन लोगों। गाय है ना ये, कैसे है यहाँ पे गाय 250। तो फिलहाल अपना ट्रॉक के साथ साथ यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं गाय बेच रहा है ये, और अरुणाचल रोइंग में है। तो हम तो ऐसे पहली बार रोइंग आए हैं। तो आप ये देखो यहाँ पे गाय ओपन सेल होता है, और गाय बहुत रेट कैसे है ये गाय का 250 ना। तो फिलहाल यहाँ पे देखो मेरे बैक साइड में गाय का मीट है। तो यहाँ पे गाय यहीं पे काटते हो, यहीं पे काटिंग अंदर ही होता है, काटिंग वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है। और यहाँ पे 250 रेट है, ये रोहिंग टाउन से पहले पड़ता है। हाँ खाली होगा यहाँ पे, तो हमारा गाड़ी यहाँ पे खाली नहीं होगा। कहाँ पे होगा खाली सर? बंद है। हाँ तो अच्छा अच्छा अच्छा, तब तक अब देखो यहाँ पे अभी तो हमें होल्ड करना पड़ रहा है क्योंकि शायद अभी कोई आया नहीं है स्टाफ वगैरह, और बहुत सुबह हम लोग आ गए क्योंकि सहरी करते ही हम लोग यहाँ आ गए थे। अभी फिलहाल 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे ही हम रोहिंग आ गए हैं, और गेट का एंट्री वगैरह नो एंट्री का रीज़न भी था, नो एंट्री का, तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए अभी। चलिए तो फिलहाल यहाँ पे बारिश आ गया हुआ था, और यहाँ पे अपना ट्रॉक में चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये देखो हमें इस स्पॉट पे खाली नहीं करना था, लोकेशन मिला है आगे का। तो हम चलते हैं रोइंग टाउन में, आपको दिखाते हैं कि हमारा अनलोड कैसे होगा। ये हमारा मेन ड्राइवर, ये देखो यहाँ मार्केट लगता है अरुणाचल, और ये रहा मेन, हम लोग सीधा जाएंगे तो रोइंग मिलेगा, और यहाँ हमें राइट टर्न लेने से हमें मिलेगा तेजू। और यहाँ आप देखो रोइंग के लिए एक बढ़िया सा गेट बनाया हुआ है, ये आप देखो क्या शानदार गेट है। तो फिलहाल अभी हम नए रास्ते में आए, और यहाँ से जाना है हमें, तो ये अभी डिस्टेंस यहाँ पे हम देखे तो हमें दिखाई दे रहा है 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर, और ये बहुत ख़राब रास्ता है। पर कोई नहीं, गाड़ी के हिसाब से तो बहुत ख़राब है, छोटी गाड़ी तो और भी ये ख़राब, ऐसा ख़राब है कि कोई कहने के लायक ही नहीं। अभी ये बन रहा है, फिलहाल बाईपास है, इसी रोड का नाम बाईपास है। तो अभी चलो हम चलते हैं लोकेशन पे जहाँ हमें खाली करना है, और ये रहा हमारा लोकेशन मैप में, हम देख के जाएंगे। तो चलते हैं और वहाँ पर हम दिखाएँगे कैसे क्या खाली होगा। तो चलिए चलते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ से ना अभी इसके हिसाब से हमें यहाँ से लेना होगा, लेफ्ट टर्न लेना होगा, इधर से हमें जाना होगा। और आगे क्या शानदार व्यू है,
व्यू का तो अब मत ही पूछो। अगर ये बारिश ना होता ना तो इस फुल इस मोमेंट को फील किया जाता कि हाँ क्या मस्त। ये देखो प्लांट, ये हमारे हिसाब से प्लांट यही है। और इसमें भी देखा टर्न ले लेते, ये हमारा प्लांट है, इसके ही अंदर आए हुए हैं हम। ये बाईपास रोड भी बन ही रहा है। तो फिलहाल हमें जिस लोकेशन पे आना था हम आ गए, और आपको दिखाते चले कि ये जो लोकेशन है ना, ये आप देख सकते हो चाइना बॉर्डर के पास में है, बहुत नजदीक यहाँ से चाइना है। और हमें यहीं पे अनलोड करना है, पर अभी ऑफिस खुला नहीं है, इसके लिए पार्टी आया नहीं है और लेबर भी चाहिए, तो वो लेकर आएगा। तब तक हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और टाइम हो रहा है 9 बजने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हो 9 बजने वाला है, तो हमें और वेट करना होगा लगभग घंटा भर यहाँ पे। उसके बाद लेबर आएगा, हमारा गाड़ी खाली करेगा और हम साइड का व्यू भी आपको दिखाएंगे। बट अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो बारिश के कारण हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। देख सकते हो यहाँ से चाइना बहुत नजदीक है, चाइना बॉर्डर पहाड़ी एरिया है। और यहाँ पे जो है ना नया प्लांट लोग अभी लगा ही रहे, और ब्रिज का भी कुछ काम हो रहा है, साइड में ब्रिज भी बन रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं, बारिश छूटता है उसके बाद आपको दिखाते हैं साइड का। कल हम यहाँ पे आए थे और अभी कोई लेबर आया नहीं, इसके कारण हमें वेट करना पड़ रहा है। तो मैं ऊपर आके देख रहा था कैसा है प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट है। तो अभी नीचे चलता हूँ और उस साइड पे कुछ ट्राई करूँगा जाने के लिए। वहाँ पे पहाड़ों पे दिख रहा है कुछ घर वगैरह भी, तो चलते हैं उसे देखते हैं और क्या नज़ारा मिलेगा, ट्राई करते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ तक, अभी नीचे चलते हैं पहले। यही वो प्लेस है जहाँ हम अभी आए हुए हैं, और यहाँ देखो वो नदी है वहाँ साइड से, और नदी से जेसीबी लग के वहाँ से ये रेत पत्थर जो भी है निकाला जा रहा है। और फिलहाल यहाँ पे बारिश बहुत है, तो मुझे अभी लगभग मैं 1 किलोमीटर चलकर आया था, और कुछ आगे नदी के उस पार उस पहाड़ के ऊपर में देखो वहाँ पे घर है, ये रहा वो देखो वहाँ पे घर है। तो वो बहुत दूर पे है, ऐसे भी मैं जाने के लिए ट्राई करता क्योंकि अभी तक उसका लेबर नहीं आया है। तो उस पहाड़ के ऊपर जाता और वहाँ पे देखता कि कैसे क्या है। तो मुझे लग नहीं रहा कि बारिश छूटेगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलो चलते हैं, और ट्रक में ही अपना सेफ है। अभी फ़िलहाल हम आए थे तो मौसम बहुत क्लियर था, और मैंने सोचा बहुत दिनों से कोई ब्लॉग दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि छोटा हाथी में लॉन्ग अभी रेंट मिलता नहीं है। बट मुझे नहीं पता था कि आज ही पहले दिन पे ही बारिश, इतना ज़बरदस्त बारिश आ गया, वह छूट ही नहीं रहा। और इस लोकेशन पे आए अभी तो फ़िलहाल ट्रक खाली होने में भी टाइम है, तो मैं अभी पहले चलता हूँ बारिश से बचता हूँ किसी जगह पर, उसके बाद आगे आपको समझाऊँगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। फिलहाल 8 बजे से वेट करते करते अभी फाइनल 12 बज गया है, और 12 बजे अभी यहाँ से बात हुआ है हमारा, तो शायद अभी अनलोड करना खुद ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं जगह क्या है, और वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। खाली करने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि लेबर नहीं मिल रहा है, और लेबर का रीज़न समझ में आ सकता है क्योंकि आज बारिश भी है और कल होली था। तो चलिए अभी अपना खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि रमज़ान का टाइम है। फिलहाल बैक हो गया, चलो yeah। तो फिलहाल यहाँ पे अनलोडिंग हो रहा है हमारा माल, और भाई खुद ही हाथ लगा रहे, देखो भाई। हाँ बोलो बोलो। बोलता है कि ड्राइवर बहुत पैसा कमाता है, लेकिन ड्राइवर का क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, ये आम पब्लिक देखता नहीं है, खास करके गांव वाले और अपने रिश्तेदार। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको दाब दो, लेकिन मेरा तकलीफ भी समझा करो यार। बंदा देखो कैसे लगा हुआ है, ये होता है रियल मेहनत। देखो मत गिरे बेटा, तो फिलहाल देखो खुद ही हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। और ये देख लो मेरे ड्राइवर भी, मेन ड्राइवर कितना मेहनत कर रहा है, सेकंड ड्राइवर वो देख लो,
सेकंड ड्राइवर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, प्रॉपर यहाँ पे सूट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बारिश भी है और खुद ही करना पड़ रहा है, लेबर आया नहीं, पर जो हो सके मैं आपको दिखाने के ट्राई कर रहा हूँ। अभी आप देख लो वो ऊपर से नीचे फेंक रहा है, हम लोग दोनों मिलकर साइड कर रहे हैं और ऊपर से मेहरबान हमारे बारिश भी है। इसके लिए कुछ अम्ब्रेला वगैरह है नहीं तो इसके लिए मैंने रुमाल को ऊपर लगा लिया है, तो अभी देखो कैसे क्या खाली करना पड़ रहा है। देखो ये बंदा कितना हार्ड वर्कर है। फिलहाल अपना अनलोड हो गया हुआ है और हम जा रहे हैं अंदर जो चालान है और रिसीव करवाने, और रिसीव कराने के बाद हम यहां से निकलेंगे। लगभग हमारा 1.5-2 घंटा लग गया यहां पे अनलोड करते करते और खुद ही करना पड़ा। और ये चाचा अभी जा रहे हैं, देखो अभी वो रिसीव वगैरह कराएंगे, उसके बाद हम यहां से निकलेंगे और उम्मीद है कि इफ्तार घर पर ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी चालान रिसीव करवाते हैं। चले फिर ठीक है सर, फिर मिलेंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे सर्वर क्लियर हो गया और रिसीविंग भी हो गया, तो हम यहाँ से सीधा अभी चलते हैं अपने गाड़ी के ओर। तो चलिए फिर बहुत मजा आया खाली करके हमें, और सामने का व्यू तो अभी आ रहा था बहुत शानदार पर वो नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। ड्राइवर साहब चलिए जल्दी चलिए, ओके सर चलिए 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 ड्राइवर साहब चलिए। ये गाड़ी वाला भी हमारे साथ था, तो इसका अभी खाली होने में टाइम लगेगा क्योंकि वो लोग दो ही लोग हैं, हम लोग 3 लोग थे, तो अभी खाली हो गया। तो हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं, चलिए ड्राइवर साहब जल्दी चलिए, ड्राइवर साहब चलिए आराम से चलिए, ड्राइवर साहब टाइम दिए अपने हाथ में। तो फिलहाल अभी हो गया हाईवे पे हम आ गए और यहाँ से सीधा ही चलते हैं घर। ये रहा अरुणाचल गेट, तो फिलहाल ये रहा गेट जो हम अरुणाचल गेट से निकल गए हैं, अरुणाचल गेट से हम आगे आ गए और अभी हम असम गेट को क्रॉस करेंगे और ये मार्केट है। तो फिलहाल ये वाला जो है ना ये असम गेट है और असम गेट अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। ये रहा सदिया पुलिस, ये रहा सदिया पुलिस, और ये जो रोड जा रहा है असम के लिए। तो अभी चलते हैं आगे, कहाँ नो एंट्री है वो देखेंगे, नो एंट्री में हमें रुकना पड़ेगा। आई थिंक 4 बजे नो एंट्री खुलता है, तो चलिए चलते हैं और नो एंट्री का देखते हैं क्या है। फिलहाल हम यहाँ पे स्टॉप किए हुए हैं और काफ़ी देर 1 घंटा हो गया, और अभी जो है ना ये देख सकते हो 4 बजने वाला है, और 3 बजे से हम यहाँ पे है और 4 बजे नो एंट्री टूटेगा, नो एंट्री खुलने वाला है 4 बजे। तो फिलहाल अभी देखते हैं नो एंट्री 4 बजे खुलता है या नहीं, अभी 4 बजने में 1 मिनट बाकी है और बहुत लंबी लाइट है, तो अभी कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई पता नहीं, और हमें इतना तक घर भी जाना है। और ये देखो छोटे ड्राइवर इधर सोया है और बड़ा ड्राइवर उधर सोया हुआ है, मस्त नींद मार रहा है दोनों। तो फिलहाल नो एंट्री खुल गया हुआ है और देखो नो एंट्री खुलते ही सारा गाड़ी आगे चला गया। फिलहाल हम लोग आ गए हैं भूपेन हजारिका सेतु और हमारा टाइम हो रहा है भूपेन हजारिका सेतु में 4:30। 4:30 में हम पूरे दिन का ये लीजिए भूपेन हजारिका सेतु आ गए हैं। तो फिलहाल 4:30 हो गया हुआ है और हम अभी लगता है कि इफ्तार के लिए पहुंच जाएंगे घर पे, तो 4:30 में हम आ गए भूपेन हजारिका सेतु। तो आज का पूरे दिन का जो रहा एक रॉक लाइफ और अरुणाचल थोड़ा एक्सप्लोर करना था, पर पानी के कारण हम वो नहीं कर पाए, जितना हो सका रॉक लाइफ में हम दिखाने के लिए ट्राई किए वो सब। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह का ब्लॉग आता रहेगा आगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, भूपेन हजारिका सेतु पे ही आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट ट्रिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।